ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो 22 अक्टूबर के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हम लोगों ने काफी शॉकिंग अनाउंसमेंट देखी रोमन रेंस की तरफ से, जब उन्होंने रिवील किया कि उन्हें कैंसर और इसके चलते उन्हें अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ेगा और यहां पर वो WWE से ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं, WWE एक बिजनेस है और यहां पर बिजनेस ऐसे नहीं रुक सकता। भले ही रोमन रेंस के जाने से यहां पर WWE को काफी बड़ा घाटा होने वाला है, लेकिन WWE आगे कंटिन्यू करने वाली है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बड़े चेंजेस के बारे में जो कि हमें देखने को मिलने वाले मंडे नाइट रॉ एंड इन फ्यूचर आफ्टर रोमन रेंस लीव्स WWE। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज की बात करें जो एकदम ऑब्वियस है और एक काफी लंबे टाइम तक हमें रॉ ब्रांड पर देखने को नहीं मिलने वाला, और वो है द शील्ड। जैसे कि हम लोग जानते हैं शील्ड के मेंबर डीन एम्ब्रोस, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस हैं। रोमन रेंस तो भैया काफी लंबे टाइम के लिए WWE से जा चुके हैं, तो ऐसे में ये बात एकदम ऑब्वियस है कि काफी लंबे टाइम तक, जब तक कि रोमन रेंस अपना रिटर्न नहीं कर लेते, तब तक हमें द शील्ड देखने को नहीं मिलेगी। और वैसे फिलहाल की बात करें तो डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस अलग अलग हैं, तो कह सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर शील्ड अलग हो चुकी है। रोमन रेंस चलेगी अपनी बीमारी के चलते, और वहीं डीन एम्ब्रोस ने अटैक कर दिया सेथ रॉलिंस के ऊपर। अगली चीज की बात करें जो कि हमें एकदम से अभी देखने को मिलेंगे नेक्स्ट शो के एपिसोड में रोमन रेंस के जाने के बाद, और वो ये कि ड्रू मैकइंटायर का जो पुश है वो और जल्दी आने वाला है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पिक्चर से एक बड़ा सुपरस्टार रोमन रेंस बाहर आ चुका है, तो ऐसे में यहाँ पर WWE को जरूरत है कि एक और सुपरस्टार को चैंपियनशिप के पिक्चर में लाया जाए जो कि आगे मंडे नाइट रॉ की स्टोरीलाइन को इंटरेस्टिंग बना सके। तो ऐसे में बहुत जल्दी हमें ड्रू मैकइंटायर चैंपियनशिप के पिक्चर में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर WWE के प्लान से कि ड्रू मैकइंटायर को पुश करना है, लेकिन रोमन रेंस के जाने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ड्रू मैकइंटायर का पुश और ज्यादा जल्दी आने वाला है। इसके अलावा एक अगली चीज की बात करें जो कि काफी लॉन्ग टर्म के लिए है, और वो है रेसलमेनिया 35 के प्लान्स। WWE को यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं थी कि रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट में क्या रखना है, क्योंकि WWE अभी से सोचकर चल रही थी कि रेसलमेनिया 35 में रोमन रेंस अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मेन इवेंट में मैच ला सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर रोमन रेंस चले गए, तो ऐसे में WWE को कुछ ना कुछ और सोचने की जरूरत है। तो ऐसे में अब जो हमें नया चीज देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 35 में, वो हो सकता है पॉसिबली सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस के बीच एक मैच। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं फिलहाल यहाँ पर हमें रॉ पर एक तरह से स्टोरीलाइन देखने को मिली गई है डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेथ रॉलिंस की, हालांकि यहाँ पर अभी भी उनके पास चैंपियनशिप है, तो ऐसे में हो सकता है WWE इस वाले फ्यूड को काफी आगे तक लेके जाए और उसके बाद हमें रेसलमेनिया 35 सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस का मैच हेडलाइन करता हुआ दिखाई दे। अगले चेंज की बात करें और शायद हाल फिलहाल में WWE को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, और वो ये क्राउन जेल में होने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच, जो कि फिलहाल ब्रॉक लेस्नर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैं आपको इससे पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे ड्रू मैकइंटायर हमें देखने को मिल सकते हैं इस मैच में, मतलब कि ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर सीधा सीधा एक तरह से रोमन रेंस को इस मैच में रिप्लेस कर देंगे अगर ड्रू मैकइंटायर को डाल दिया जाता यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में, क्योंकि फिलहाल ड्रू मैकइंटायर का हमें कुछ फ्यूड देखने को मिल रही है अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन ऑन मंडे नाइट रॉ। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इन सब में से कौन सा सबसे बड़ा चेंज है जो कि आपको लगता होने वाला है WWE में। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।